Diba, dati, even mas mo ka, yung mga professional. Pero pa, di kailin, sanjay ka. तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्री रामचंद्र प्रभु जी अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को चरणों में यथाजुक्त प्रणाम करता हूँ। आज हम लोगों का परिक्रमा का पहला दिन था, इसलिए हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान पर हम गए थे। वहाँ पर तो आप लोगों ने कथा सुनी थी, कथा सुनी। उसके बाद में फिर हम लोग श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के जन्म स्थान पर बन गए, लेकिन वहाँ पर कथा शुरू होते जा रही थी, इतने में प्रभुपाद की आरती शुरू हो गई, इसलिए चंद कथा बंद हो गई। इसलिए हम सोचते हैं आज हर साल भी प्रभुपाद की कथा हम सुनते हैं, आज भी थोड़ा प्रभुपाद की कथा सुनने लगे, एक दिन श्री गुरु जी की भी कथा सुनी, ठीक है। इसलिए कि मतलब जो प्रभुपाद हैं, ये जो गौड़िया मठ का
जो पिता है ये कौन है? कैसिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। अगर ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद नहीं आते, हम जो थोड़ी बहुत भजन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तिलक लगाने के लिए, गला में कंठी धारण करने के लिए, थोड़ी सी हरिनाम जप करने के लिए, थोड़ी बहुत जो हम प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं होता, ये कभी होता ही नहीं। और सारे पृथ्वी का लोग जो हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये वस्तु कभी नहीं हो सकता था। केवल इसका जो मूल कारण है कि कौन है, कौन है? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ये प्रभुपाद है। देखो मैं यहाँ बैठा हूँ ना, दिख रहा हूँ एकदम पीछे हटी और सामने वही उनकी छवि है मेरे सामने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, यही है ना? इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उनके लिए एक बहुत बड़ी बात कह करते थे, बहुत बड़ी ये बात कहते थे, बोले अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं उनकी अगर अवदान वैशिष्ट को, उनकी देन को, हाँ उनकी कृपा को एक तराजू लेकर के तराजू का एक तरफ में धर दिया जाए, और प्रभुपाद का जो देन है, इनकी जो भजन है और इनकी जो महिमा अगर दूसरे तरफ में धर दिया जाए, वो कहा करते थे, देखोगे प्रभुपाद का जो पल्ला है ना ये भारी पड़ेगा, मतलब इनके लिए वो इतनी बड़ी बात इनके लिए ये कहा करते थे। हाँ ये महापुरुष के लिए समझो, ये महापुरुष का फिर ये कितने बड़े ये महापुरुष होंगे। इसलिए हम वहाँ कह रहे थे, मेरे मन में भी कभी कभी शंका हो जाती थी, कितनी बड़ी बात कैसे हो सकता है? अभी कितने सारे आचार्य रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार्क, फिर हमारे कितने गुरु वर्ग आए हैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है? कहते इनकी सबके सब पहले को एक तरफ में धर दो और इनकी अवदान वैशिष्टता को एक तरफ में धर दो, ये क्या कहते पल्ला की भारी पड़ी हो। मेरे मन में ना ये कभी कभी के पीछे बड़ा खटका खटका खटका, मैंने कैसे ऐसे कैसे बात है, लेकिन बात में मैंने सोचा नहीं ये बात सही है, जब वो बोल रहे हैं मैं विचार नहीं कर पा रहा, लेकिन ये सही है। फिर मैंने इस चीज को सामने से किया, क्योंकि ये प्रभुपाद कौन है? कहते ये राधा रानी की नयन मणि मंजिल है। नयन मतलब होता आँख है, मणि मतलब उसका अंदर जो पुतला है, ये जो राधा जाती की आंख भी जो पुतला है, कभी किसी ने ये एक जो रूप लिया है, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद है। इसलिए मैं वहां पर बोल रहा था, मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज भोगविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करीष सीगमा कृपा कटाक्ष भाजन। इसलिए कहते हे श्रीमती राधा रानी, कब हमारी सौभाग्य होएगी आपकी कृपा कटाक्ष से हम हमारे पर में पड़े। इसलिए राधा रानी की जो कृपा कटाक्ष किया है, बोले त्रिलोक शोक हारिणी, तीन लोक का जो शोक जो दुख को वो हरण करने वाले कौन है? कहते श्रीमती राधा रानी कृपा कटाक्ष। इसलिए स्वयं जब ये नयन मणि मंजरी कहते गोलोक वृंदावन में जब श्री राधा जी की नित्य सेवा में संलग्न थी, एक दिन स्वयं श्री राधा रानी कहती है, बोले नयन मणि मंजरी देखो कि जगत का दुर्दशा किया है। कहती भक्ति जगत में कभी कभी जुहार और भट्टा आती है, कभी तो ऐसे दिखता है भक्ति की बड़ा प्रचार हुई, कभी कभी धीरे 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 इतने नीचे उतर आती है जगत में, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी दरबसाई सखी भेकी इतने सारे उल्टा पुल्टा। उसी समय में हैं ये महापुरुष आने से पहले सबके सब महाप्रभु का धर्म को सुन करके ना नाक सिकुड़ाया करते थे, क्यों? बाबा जी माता जी दल है, दोनों पति पत्नी गौर के वस्त्र पहन लिए, कोई
मांस मछली खा रहे, बीड़ी फूंक रहे, कोई शिष्टाचार नहीं, उल्टा पुल्टा। अपना नाम क्या कहते थे? हम महाप्रभु के धारा थे, हम श्री चैतन्य महाप्रभु के हम धारा के ही। इसलिए उसी समय में लोग महाप्रभु की भक्तों का नाम सुन करके नाद सिपड़ा करते, ये महाप्रभु की धारा है, ये निड़ा नड़ी उल्टा पुल्टा जितने बाबा जी माता जी बीड़ी फूकने वाले, मांस खाने वाले, मछली खाने वाले, ये सब महाप्रभु का धारा ही है। इसलिए लोग नाद सिपड़ा करते थे महाप्रभु का नाम सुन करके। लेकिन ये महापुरुष आकर के जगत में जो उत्तम पानम स्त्रियम सोना तथा अधर्म चतुर्विध, कहते जो चार प्रकार जो अधर्म है, जहाँ पर कलि का निवास है, जुआ खेलना है, पानम जितने तरह का नस्ली वस्तु, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा फुटका, यहाँ तक भी प्रभुपाद ने चाय तक भी उन्होंने मना किए, चाय तक भी इसी में भी कलि का निवास है, इसलिए चाय नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इसमें निकोटीन और कैफीन है, है? इसलिए चाय भी ये अंग्रेजियों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, मतलब 1 रुपया 25 पैसा मिलेगा जो एक कप चाय मिलेगा, बोले वाह चाय भी मिलेगा 1 रुपया 25 पैसा मिलेगा, कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया मिलेगा, बोले 1 रुपया, मतलब कुछ दिन बाद बोले 50 पैसा मिलेगा, बोले 50 पैसा मिलेगा, कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले एक कप चाय 25, बाद में बोले नहीं और कुछ नहीं मिलेगा। अब पी पी कर नशा हो गया हमारा, अंग्रेजी उनको गुलाम बना, अपना बिजनेस चलाना चाह रहे थे, बोले देखो 25 पैसा देना पड़ेगा, बोले उल्टा अभी तो आदत बन गया, बोले 50 पैसा देना पड़ेगा, कोई बात नहीं 1 रुपया देना पड़ेगा, अरे 2 रुपया, अभी एक कप कितना देना, हल्का सा रुपया निकालो बेकू बना के। इसलिए अगर कोई ना अभी भी महाप्रभु के धर्म में, अभी भी हमारे गौड़ीय वैष्णव लाइन में अभी बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन अभी भी उनसे गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं, हैं? गुटखा खाते हैं, चाय पीते हैं, लेकिन एक ही एक गौड़ीय मठ ऐसे एक स्थान है, इस पर गौड़ीय मठ स्थान है जो कली की कोई भी स्थान को प्रभुपाद ने प्रसन्न नहीं दिया, किस तरह से उन्होंने प्रसन्न नहीं दिया। इसलिए दुतम पानम, तीसरा क्या है स्त्रियम, कभी जो अवैध रूप में जो स्त्री संग है, बगैर शादी करके जो अवैध रूप में जो स्त्री संग है, प्रभुपाद ने वो बात को बल यहाँ पर भी कली का स्थान है जिसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है, और जो जीव हिंसा है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, जब हम कोई प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, लोग तो कथा सुनकर बड़े खुश होते हैं, भजन करेंगे, लेकिन जब कहते हैं देखो अगर हरिनाम दिखा लेना तो आपको प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा, प्याज लहसुन क्यों छोड़े, जब सुनते हैं चाय छोड़ना पड़ेगा ना, तो वही पर बेहोश हो जाते हैं, वही पर बेहोश हो जाते हैं, बोले चाय भी क्या दोष है, यहाँ पर माल चलने वाले कौन है, कोई है वहां पर थोड़ी सी कम करते उसको, इसलिए चाय के नाम सुनकर। इसलिए जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, इनकी प्रचार चोर जबरदस्ती इनकी प्रचार थी, सारा दुनिया में उन्होंने टहलका मचा दिया प्रचार करके, उन्होंने सर्वत्र शहर शहर गांव गांव में लोगों को प्रचार, सर्वत्र प्रचार हो रही थी, प्रभुपाद का नाम हो रहा था, और दूसरे दूसरे जितने अप संप्रदाय थे उस समय में, जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, चार तरफ में इनको पर आक्रमण हो रही थी, बोले कौन कौन है, बोले एक तरफ पे सहजिया जानते हो ना, जो सहज रूप में अभी कोई उनको शौचक्रिया भी करना नहीं आता है, अभी कोई भी भक्ति की जो साधारण नियम को पालन नहीं करते हैं, लेकिन अनर्थ अवस्था में कहते हैं हम मंजरी बन गए, हम तो अमुक लड्डू मंजरी, अमुक रसगुल्ला मंजरी हम बन गए, उनको आते ही देखो चीज को ध्यान रखना। इसलिए जो हमारे जो उपदेशामृत प्रभुपाद कहते थे, ये बाबा जी सहजिया के लिए ये बच रहे, क्योंकि वो आते ही क्या कहते हैं, बस एकादश भाव, ये मंजरी तुम्हारी, ये नाम तुम्हारी, ये सेवा, बस उसको दे दिया, हाँ उसको दे दिया। लेकिन वो अवस्था कब आता है, तभी आता है जब अनर्थ निवृत्त हो जाए, जब आसक्ति अवस्था आए,
भावावस्था में वो सब चीज होता है, लेकिन अभी श्रद्धा भी नहीं उनको, पारमार्थिक श्रद्धा भी नहीं तभी उनको, तो तुम ये गोपी, ये मंजरी, ये सखी बात बन गई। इसलिए इसको कहते हैं वो जो दिव्य वस्तु को सहज रूप में ये चीज को मान लेते हैं। इसलिए जब प्रभुपाद ये सब चीज वो खंडन करते थे, कहते एक तरफ में सहजिया, तो दूसरे तरफ में कौन, बोले अवतारवाद। अवतारवाद मतलब क्या, साईं बाबा भगवान, अभी जो साईं बाबा निकले गए हैं, इसलिए बाल ठाकुर भगवान नहीं, हमारे इधर एक लोकनाथ ये भगवान, राम कृष्ण भगवान, पता नहीं जैसे जमीनी पर जैसे बीज, हाँ जैसे बीज, हाँ जैसे भूनते हैं ना, फेंकते हैं, जैसे पेड़ निकलता है, ऐसे जो भगवान भगवान हैं। इसलिए प्रभुपाद बड़े खंडन करते थे हैं, अवतार कब आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, शास्त्र में सब का सब लिखा हुआ। तीसरा तरफ में बड़ी मायावाद जो कि भक्ति में, इसलिए अक्सर करके प्रभुपाद कहीं भी थोड़ी सी आप उनकी अनुभव से पढ़ो, थोड़ी सी कहीं मायावाद की अगर कहीं गंधा आ गया ना, प्रभुपाद उसको खंडन करना शुरू करते हैं, वो चीज वो खंडन करना शुरू करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे जब तक ये मायावाद रहेगा तब तक ये शुद्ध भक्ति कभी प्रचार नहीं हो सकती है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची जावत हृदय वर्तते, जब तक साधक के हृदय में ये भुक्ति और मुक्ति की स्प्रिया तक भी रहेगी तब तक हृदय में शुद्ध भक्ति कभी आ ही नहीं सकती है। दूसरे तरफ में, तीसरे तरफ में क्या है, ये मायावाद, और जो चौथा तरफ में जात गोसाई। जात गोसाई का मतलब होता है हम नित्यानंद परिवार, इस चीज को अच्छी तरह समझो, जैसे हम नित्यानंद परिवार, हम अद्वैत परिवार, हम इनका परिवार, ये जो लोग हैं इनको जाति गोसाई। प्रभुपाद एकदम प्रश्न नहीं देते, तुम्हारी वंश में कोई महापुरुष कभी आया होगा तुम्हारी वंश में, उनका कोई अभी भी उसी कद, हम इसी वंश में नित्यानंद प्रभु वंश में अद्वैत वंश में, ये जो लोग कहते हैं ना नित्यानंद प्रभु जो अद्वैत प्रभु, उन्होंने दो अपना बच्चों को उन्होंने पुत्र रूप में स्वीकार किया, अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु केवल एक, इनके कोई वंश है ही नहीं, वो सब त्यागी है। लेकिन उसी परंपरा में जो कुछ लोग आए कहते नहीं हम तो अद्वैत वंश नित्यानंद, कोई रूल रेगुलेशन नहीं, मांस मछली खाते भजन भजन से कोई मतलब नहीं, कहते हम तो इसी हम तो दीक्षा देने वाले हम ही, और कोई दीक्षा मंत्र नहीं दे सकते। इसलिए जिस समय प्रभुपाद आए उसी समय में एक साथ में चार तरफ में आक्रमण, और उन्होंने ये सारी चीज वो खंडन करते हुए और शुद्ध भक्ति को ये निरूपण करना चाह रहे थे। इसलिए जब प्रभुपाद अभी जो परिक्रमा चल रही है, जब प्रभुपाद अपना ये नवद्वीप परिक्रमा लेकर के प्रौढ़माया पर गए, जाति गोसाई प्रभुपाद एग्जीबिशन दिखाया करते थे, इस चीज के एग्जीबिशन, आज गुरु जी आए, गुरु जी को बढ़िया चीज खिलाना पड़ा, क्या मछली लेकर गुरुदेव, चेला मछली लेकर गुरुदेव को भेंट करें, उन्होंने ये सब एग्जीबिशन दिखाया, देखो ये कलयुग का गुरु कैसे है, शिष्य आज गुरुदेव आए उनको सबसे जो बढ़िया मछली इलिश मांस है, एक बोले इलिश मांस को गुरुदेव का हम भेंट करेंगे। प्रभुपाद सब एग्जीबिशन देखो इसे गुरुदेव का क्या, और गंजा फूंक रहे, सिगरेट फूंक रहे सबके सब, इन लोगों ने देखा कि जब तक ये प्रभुपाद रहेंगे ना ये तो हमारे से पत्ता साफ करते करेंगे, हमें तो कोई पूछेगा नहीं सबके सब। इतने प्रभुपाद के प्रचार इतने जोर जबरदस्त चल रहा था, इसलिए इन लोगों ने सोचा प्रभुपाद की जान कर दो। इसलिए जब ये नवद्वीप परिक्रमा प्रौढ़माया में गई, कल हम लोग जाएंगे, बस वही प्रभुपाद को जान से मारने के लिए कोशिश की, छोड़ा की बोतल ईट पत्थर प्रभुपाद के ऊपर फेंकने लग गए, लेकिन उसी समय हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये उनको एक एकांत घर में लेकर के अपना वस्त्र दे करके, अपना वस्त्र प्रभुपाद को सफेद वस्त्र और इनकी सन्यासी वस्त्र इनको दे करके इसी तरह से प्रभुपाद वहां से निकल गए। इसलिए जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे एक व्यक्ति ने आकर के प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद अगर आप दो चीज अगर छूट दे दोगे ना, केवल दो चीज को छूट दे देना, देखो ना सारे दुनिया में जितने संप्रदाय हैं वो सारे को सारे संप्रदाय आपकी संप्रदाय में मिल जाएगी। बोले वो दो चीज क्या छूट दे दे, बोले एक है बीड़ी और एक है चाय, एक है बीड़ी। हाँ सब सुन लो, ध्यान कान खोल के सुन लो, अगर प्रभुपाद का लाइन में आना चाहते हो, क्योंकि कुछ लोग तो बड़े दिन से दीक्षा मंत्र को ही लिए हैं लेकिन अभी तक भी चाय पी रहे, अभी तक भी क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हो? चाय पी रहे हैं। कौन-कौन हाथ खड़े करो, हाँ, हाथ खड़े करो, बोले कौन कौन नहीं पीते हैं हाथ खड़े करो, कौन कौन नहीं पीते हैं चाय को हाथ खड़े करो, जो जो नहीं पीते हैं, देखो इसका मतलब सब के सब पी रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बोले इन दो चीजों को छूट दे दो और दुनिया का जितने सारे संप्रदाय आकर के ना आपको साथ में मिल जाएंगे। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, कहते हमें लाख और चंद्रमा की जरूरत नहीं, केवल एक हमें ताराओं की जरूरत नहीं, केवल एक चंद्रमा की जरूरत है। हजार तारा है आकाश में लेकिन वो दुनिया को कोई आलोक नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक चंद्रमा क्या करती है, सारा दुनिया को आलोक दे देती है। हमें एक चंद्रमा की जरूरत, लाख तारों की हमारे कोई जरूरत नहीं, ये प्रभुपाद का ये वाणी है। इसलिए हमें चाय पीनी नहीं चाहिए, ये प्रभुपाद। अगर प्रभुपाद का अगर नाती या पोता बनना चाहते हो फिर चीज हमें त्याग देनी चाहिए। इसलिए जिस समय ये सारे अपसंप्रदाय दुनिया में है, दुनिया में प्रचार प्रसार था, श्री राधा रानी श्री नयन मणि मंजरी श्री प्रभुपाद को बोलते हैं, बोले नयन मणि मंजरी जाओ जा करके ये जीवों का कल्याण करो, उद्धार करो और शुद्ध भक्ति की मंदार की धारा को तुम प्रवाह करो। और बोले अकेले नहीं, तुम अपना परिकर को साथ में जाओ। इसलिए प्रभुपाद को शिष्य लोग बोलते थे, इसलिए जब प्रभुपाद आए ना, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सहा बताई। जैसे श्री प्रभुपाद महाप्रभु अपना परिक्रम को लेकर के आए, उसी तरह राधा रानी कहती है तुम भी अपना परिक्रम को लेकर जाओ, अकेले नहीं। इसलिए प्रभुपाद अकेले नहीं और पूरा अपना परिक्रम को लेकर के आए, नहीं तो प्रभुपाद के लिए जान दे देना, अपना बेटे को भी पिता अगर बोल दे देगा। लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने प्रभुपाद की सेवा के लिए उन्होंने अपना जान को हथेली पर लेकर के अपना जान को देने के लिए तैयारी हो गई। इसलिए ये सब के सब प्रभुपाद के ये गण है। इसलिए जिस समय गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, इन लोगों ने प्रभुपाद के उसी समय में उनकी सिद्धांत, उनकी तत्व, उनकी आदर्श, उनकी पढ़ाई लिखाई को देख करके कितने प्रसन्न हुए, बोले महाप्रभु किसने एक निजे जन को भेजे हैं। इन लोगों ने बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देकर गई महाप्रभु का वाणी को प्रचार और प्रसार करना। अभी जब गुरुवर्ग चले गए, जब मायापुर में एक दिन भजन करते सोच रहे हैं, हमारे गुरुवर्ग तो इतने सारे बात बता कर गए, अभी इनकी इच्छा को हम पूरी कैसे करें, हम अकेले हैं, धन बल नहीं, जन बल नहीं। इतने में रात में उन्होंने स्वप्न समाधि में दर्शन किया, सारे गुरुवर्ग वहां प्रकट हुए, महाप्रभु परिकर को साथ में प्रकट होते है। बोले तुम सोच रहे हो तेरे पास में धन और जन बल नहीं, कोई चिंता मत करो। वो प्रभुपाद कहते हैं उसी समय में वो उपदेशामृत का वो टीका को लिख रहे थे, हाँ बड़े उदास हो रहे थे, मैं अकेला कैसे करूं। लेकिन जब महाप्रभु अपना परिकरों को साथ में आकर कहते कोई चिंता मत करो, केवल तुम प्रचेष्टा करो और तुम्हारे पीछे ये जन बल और धन बल को हम देने के लिए तैयार हैं। प्रभुपाद कहते हैं मेरे मन में इतने उत्साह आ गया, जैसे हजार गुण उत्साह आ गया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में सारे गुरु वर्ग है। उसको बाद में ग्रंथ का प्रकाशन करना, फिर प्रचार करने में प्रभुपाद लग पड़े। इसलिए राधा रानी कहते तुम अकेले मत जाया करो, तो अपना परिकरों को लेकर के तुम किसी जगत में आओ। इसलिए प्रभुपाद जब आए वो अकेले नहीं आए, अपना परिकरों को प्रभुपाद लेकर किसी जगत में आए। इसलिए राधा रानी के नयन मणिमंजरी प्रभुपाद। इसलिए अभी राधा जी की इच्छा किया है, दृष्टि कृपा दृष्टि है, इनकी इच्छा किया बोले श्री श्याम सुंदर की सेवा कैसे हो, श्री श्याम सुंदर की हम सेवा कैसे करें। इसलिए श्री प्रभुपाद जी संपूर्ण जीवन को उन्होंने भगवान की सेवा में, महाप्रभु की सेवा में अपना जीवन को उन्होंने लगा दिया पूरा का पूरा जीवन। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे इनका जो
जीवनी चरित्र कहते दो व्यक्ति दो तरह के ये व्यक्ति को दर्शन किया है। कहते जो साधारण व्यक्ति थे जगत का जो अनर्थ युक्त व्यक्ति और प्रभुपाद का किस रूप में देखते थे, प्रभुपाद कौन है, नमयम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नाम। इनकी वंदना में कहते प्रभुपाद कौन है, कहते द्वितीय सरस्वती बाग देवी जैसे। इसलिए एक समय है उसी समय ज्योतिष विभाग का जो प्रिंसिपल था और प्रभुपाद के साथ में कभी टकराव हो गया। एक अयनांश शब्द, अयनांश मतलब होता है जब ये ऋतु बदलती है, है? वो प्रिंसिपल था लेकिन प्रभुपाद का उम्र कम उस समय था, उनको साथ में इसी विषय को लेकर ज्योतिषी, प्रभुपाद बहुत बड़े ज्योतिष थे, है? बहुत बड़े ज्योतिष, केवल इसी विषय को लेकर डिस्कशन हुई। प्रभुपाद ने ऐसे विचार दे रहे थे और उनको सिद्धांत को ऐसे खंडन कर रहे थे ना, वो प्रिंसिपल ज्योतिष विभाग था, वो चेयर में बैठ बैठ कर पेशाब और पायखाना कर दिया, उनका पेशाब, इनकी विचार सुनकर पेशाब पायखाना कर दिया उसने। मतलब प्रभुपाद इतने इतने सुंदर सिद्धांत तत्व था। इसलिए उसी समय प्रभुपाद को बताए ये प्रिंसिपल पद में आप ही बैठो। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, भले मैंने ईंट पत्थर और ये तारा और मिट्टी को मैंने बालू को मैंने गिरने के लिए नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का के पियन हूँ जगत में, महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति धारा को जगत में प्रचार करने के लिए ईंट पत्थर को मैंने गिरने के लिए नहीं आया। तो उन लोगों ने कहा देखो जब तक आप ये दुनिया में रहोगे कि जो प्रिंसिपल का जो सीट है ना आपके लिए रिजर्व है, इसमें और कोई नहीं बैठ सकता, केवल आप ही बैठने का केवल योग्य है। हाँ जब तक प्रभुपाद रहे तब तक वो सीट को खाली रखे, उन लोगों ने कोई बैठे नहीं। इसलिए तथा कथित तो जितने विद्वान लोग थे ये सबके सब मिल करके उनको श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती नाम में इनकी विभूषित तो उन्होंने किया है। हाँ भक्ति जगत में दूसरे सरस्वती जैसे साधारण व्यक्ति तो उनको बहुत बड़े विद्वान देखते थे, लेकिन कहते उनका जो अंतरंग जन है, कहते अंतरंग जन उनको किस रूप में देखते थे, तो हमारे गुरुदेव कहते हैं बोले वृषभाय नो सुता दई तानो चरम चरणाश्रित रेणु रास्ता महाम महदाद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। क्या उनका जो अंतरंग लोग थे वो किस रूप में देखते थे, बोले वृषभानु सुता दई तानु चरम, ये कौन है, बोले श्री राधा रानी की अत्यंत अत्यंत ये प्रिय परिकर ये दासी है, राधा जी की ये नयन मणि मंजरी ये है, उनको किस रूप में दर्शन करते थे। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते ये प्रभुपाद कौन है, बोले श्रीमन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो दया की जो शक्ति है, कहते ये श्रील प्रभुपाद है, इनकी दया की कृपा की ये शक्ति श्रील ये प्रभुपाद है। इसलिए कहते इनका जो जन्म है हाँ वो कहाँ पर जन्म ग्रहण करते हैं, बोले श्री जगन्नाथपुरी में जन्म ग्रहण की। हाँ बोले क्यों, इसका दो कारण बताए कि जगन्नाथपुरी में क्यों जन्म ग्रहण किए। इसका पहला कारण बताए हमारे पद्म पुराण में कहते हैं बोले संप्रदाय बिना जे मंत्रास्ते विपला मता अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदाय। यहाँ पर बताए कहते ये जो जितने संप्रदाय को छोड़ करके अगर कोई मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हैं उनका मंत्र निष्फल हो जाता है। इसलिए ये जो चार जो संप्रदाय, ये चार संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय हमें स्वीकार करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे मंत्र की फल नहीं प्राप्त होगा। कहते ये चार संप्रदाय कहाँ प्रकट होंगे, बोले चत्वारास्ते कलौ भाव्यात् भूतकल पुरुषतमा। वहां पर बताया गया है कहते उत्कल देश का जो पुरुषतम क्षेत्र मतलब श्री जगन्नाथपुरी में ही ये सारे को सारे आचार्य वहीं पर भक्त सब प्रकट होगी।
जितने एक बार हम लोग ने बामन गोस्वामी महाराज से हम प्रश्न की कहते ये जितने रामानुज मध्व विष्णु स्वामी ये दिखाई पड़ता है कि और कहीं जन्म हुए हैं। मतलब बामन गोस्वामी महाराज बोले पहले ये उड़ीसा इतना बड़ी था, इतना दूर तक व्याप्त था कि पूरा ये उड़ीसा को अंदर में जहाँ पर ये चार रामानुज मध्व विष्णु स्वामी ये लोग जन्म हुए कभी ये पूरा के पूरा ये उत्कल में ही सबके सबके वो बोल रहे थे। अभी धीरे धीरे भाग भाग होते होते इधर उधर हो गया लेकिन सबके सबके। इसलिए पहला कारण बताई, पहले शास्त्र ने बताया उत्कले पुरुषतमात, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री ये सबके जन्म होंगे। इसलिए प्रभुपाद जब भक्ति विनोद ठाकुर ने सारे ग्रंथों को उन्होंने रचना की, जैव धर्म शिक्षा तो सारे ग्रंथों को रचना की। अभी वो सोच रहे भैया कितने ग्रंथ थे हमने प्रकाशित की, अभी आगे ये ग्रंथ को बढ़ाएगा कौन, नहीं तो इसमें तो दिमाग लग जाएंगे सबके साथ, आगे इसको बढ़ाएगा कौन। इसलिए उन्होंने श्री विमला देवी को प्रार्थना की मेरे को ऐसे एक योग्य संतान प्रदान करो जो कि तुम्हारी महाप्रभु का शुद्ध भक्ति धारा को आगे बढ़ा सके। जब उन्होंने प्रार्थना की प्रभुपाद ने श्री जगन्नाथपुरी में हैं श्री भगवती देवी को का आश्रय करते हुए श्रील प्रभुपाद वहीं पर जन्म ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रभुपाद का कि शिष्य बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, कहते पुरी में क्यों जन्म हुए इसका क्या कारण है, कहते राधा रानी का ये निजी जन्म उनको तो वृंदावन में जन्म लेनी चाहिए, कहते ये पुरी क्षेत्र में ये क्यों जन्म ग्रहण के कारण क्या, कहते जो पुरी क्षेत्र है ये विप्रलम्भ विप्रलम्भ स्थान है जहाँ पर कृष्ण बड़ी शुद्धिग्रह विप्रलम्भ भाव के बाद में जहाँ पर श्री कृष्ण के साथ में श्री राधा रानी जहाँ पर मिलते हैं, इसलिए प्रभुपाद उसको बहुत महत्व देते हैं। इसलिए जो जगन्नाथ पुरी महाप्रभु किसलिए जगत में आए, कहते राधा है आप प्रणय महिमा की दृश्यम, और राधा जी की प्रेम की महिमा क्या है, मेरी क्या माधुर्य, और राधा रानी उसको किस रूप में आस्वादन करती है। लेकिन वो फिर उन्होंने जगन्नाथपुरी में फिर क्यों गए, जगन्नाथपुरी में क्यों गए कि एक में तो श्री जगन्नाथ जो देव हैं, कहती जगन्नाथ कौन है, बोले ये जगन्नाथ साधारण नहीं, कोई कोई उनको ऐश्वर्य भाव से उनको दर्शन करते हैं ऐश्वर्य भाव से, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करते थे वो कहते ना कदाचित काल नितट विपिन संगीत तरल मुदा विरि नारी बदन कमल स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामिनी भवतु मे। इसलिए महाप्रभु जब जगन्नाथ जी को दर्शन करते किस रूप में, बोले भुज सत्वेणु उनका हाथ में बंसुरी है, सिक्खी पूछा उनका सर पर मयूर पंख ये ब्रज भाव से, और कभी कभी हैं कहते श्याम सुंदर कभी कभी जब जमुना कुल में विहार करते हैं गोपियों को जो मुखमंडल है कमल है और जो घुंघराली केश जैसे उनके ऊपर में श्री भंवरा जैसे मंडरा रहे हैं। इसलिए कृष्ण स्वयं भंवरा रूप में गोपियों की मुखमंडल रूपी कमल का आस्वादन करते हैं, संपूर्ण ब्रजभाव में महाप्रभु दर्शन करते हैं। और जगन्नाथ जी ये रूप हुए क्यों, कारण क्या, कहते ये ब्रज की कथा सुनते 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 ये हुए, और राधा जी की प्रेम में ही हैं, ये राधा जी की प्रेम में ही ये द्रवीभूत रूप श्री जगन्नाथ। इसलिए महाप्रभु रोज जाकर के श्री जगन्नाथ जी को मंगलारती दर्शन करना उनको दर्शन करना चाहते थे। इसलिए कहते जो पुरी है ये विप्रलम्भ स्थान श्री जगन्नाथपुरी। इसलिए नरसिंह महाराज की, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वहीं पर रहे और प्रभुपाद वो विप्रलम्भ स्थान है वहीं पर उन्होंने जन्म ग्रहण किया है। कहते इनका एक नाम पड़ गया विमला प्रसाद, क्या नाम पड़ा, इसलिए उनका एक शिष्य कहते हैं भैया ये विमला तो जगन्नाथ जी की शक्ति कभी ये इनकी प्रकाश कैसे, कहते नहीं कि तो विमला एक मंजरी है, हैं इसलिए कहते वो मंजरी का प्रकाश है वह साधारण विमला नहीं है। इसलिए जिस समय श्री प्रभुपाद को जब थोड़ी सी बड़े हुए थोड़ी सी जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, रथ यात्रा का समय में जब जगन्नाथ जी के रथ को खींचते हुए ले जा रहे थे, लेकिन जगन्नाथ जी तीन दिन तक उन्होंने वही प्रभुपाद का जन्म स्थान के सामने वो तीन दिन तक रुक गए, वहां से जगन्नाथ जी हटे ही नहीं वहीं पर, रथ खींचने पर भी वो किसी तरह से उनको लेकर के उनको खींच नहीं पाए।
लेकिन जिस समय श्री भक्ति विनोद ठाकुर और उनकी जो पत्नी भगवती देवी जब प्रभुपाद को लेकर जाते हैं और जगन्नाथ जी के चरण में प्रणाम कराते हैं, इतने में जगन्नाथ जी की एक माला, वो कौन सा माला था, वो माला का नाम अधर माला है, इतने में वो माला झट गिरा। जब प्रभुपाद ऊपर में गिरे, जितने वहां पर जो पंडित लोग थे बोले भैया ये जो बच्चा है ना ये साधारण बच्चा नहीं, क्योंकि प्रणाम करते इनकी अपनी माला टूट कर गिरी। तो यहाँ पर इनके शिष्य बहुत अच्छी बात बताए, बोले देखो प्रभुपाद कौन है, कहते राधा जी की नयन मणि मंजन, ये राधा जी की नयन मणि मंजन। अभी इनको सामने जगन्नाथ जी, ये तीन दिन तक हैं श्री जगन्नाथ जी वहां पर खड़े रहे। बोले क्यों खड़े रहे, कारण क्या, क्यों खड़े रहे, कारण क्या, तीन दिन तक खड़े रहे तब भी प्रभुपाद उनको दर्शन करने के लिए प्रभुपाद क्यों नहीं लाए। तो वो भी अच्छी बात कहते हैं, कहते यहाँ पर श्री ये राधा जी कृपा कटाक्ष है, होने का नाते ये जो राधा रानी है ना और जो भक्त विनोद ठाकुर कौन है, कहते ये कमल मंजरी है। कहते मंजरियों का काम क्या है, बोले मंजरियों का काम है श्री कृष्ण को राधा जी को साथ में और राधा जी को कृष्ण को साथ में मिलन करने का इनका काम है, यही उनका काम है। लेकिन ये कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर ने जगन्नाथ जी तीन दिन तक वहीं पर खड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने प्रभुपाद क्यों नहीं लेकर क्या है, राधा रानी की कृपा कटाक्ष है ना, कहते उनको लेकर क्यों नहीं आई। बोले कारण क्या, बोले कारण जो मंजरी होते हैं वो राधा पक्ष होती हैं, वो कृष्ण पक्ष नहीं, वो सबके सबसे राधा पक्ष होते हैं। जैसे कभी कभी जब श्री राधा रानी मान करती हैं, श्याम सुंदर क्या करते हैं, इसलिए जिसको प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जत की करि सुबहु सखलु कातु वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखण्ड मौले जस्या कदार सनिधे वृषभानु जाया तत केलिकुंज भवनांगनी मार्जनिस्या। जब से राधा रानी कभी मानी नहीं होकर के कुंज में बैठ जाती है, कहते आज हम कोई काले व्यक्ति को देखना नहीं चाहते, जितने काले सबके सब दूर गए। तो सत्यजुग में काले हुए कौन, श्री बामन देव हुए, वो भी तीन पग मार करके त्रिभुवन को नाप लिया, जैसे कौवा होते है ना, खाते भी और ठोकर भी मारते, ले लिया सब कुछ बलि महाराज का, फिर उन्होंने गौड को देख कर इनको बांध दिया, देखो इसको काले का देखो है, तुमने छोटे तीन पग मांगा, अरे अपना छोटे चरण में लो ना, चरण बढ़ाने का क्या जरूरत, लिया तो लिया बांध डाल। फिर एक काले हुए तृतीया युग में कौन, श्री राम हुए, ये भी इनका देखो स्वभाव देखो, गए तो जंगल में जटाजुट धारण कर, तो फिर धनुष ऋषियों के धनुष होता, फिर अपना बीबी को लेकर गए, इतने सुंदर पत्नी, कहते श्री सीता जी को अपना शक्ति को लेकर गए हैं। अभी सुपने का जो रूप देखकर के मुग्ध हो गई, उसकी कोई दोष नहीं, क्यों, स्त्रियों का स्वभाव है अगर किसी सुंदर पुरुष को देखे वो आकृष्ट होते हैं। बोले तू इतने सुंदर रूप धारण क्यों किया, अगर तू इतने सुंदर नहीं बनते तो फिर ये आकृष्ट होती नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, वो शादी करने के लिए आए, पर शादी नहीं करते छोड़ देते ना, उसका नाखान कटवाते। अगर एक स्त्री जितने सुंदर क्यों नहीं हो, अगर नाखान कटवा तो फिर दुनिया उसको कोई पूछता है, फिर पूछेगा तुम फिर क्यों, देखो फिर अभी देखो अभी कृष्ण भी वही काले है, अभी कृष्ण यही काले, इसलिए राधा रानी कहते मेरे कोई काले चीज को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, जो आग का जो भ्रूर काली है ना उसमें चंदन के द्वारा उसको लेप लगा दो, सफेद कर दो, जो चोटी जो काली है बोले फूलों की माला से उनको है, उसको फूलों माला से ही कवर कर लो, कोई काली चीजें हम देखना नहीं चाहते हैं, है? लेकिन उसी समय राधा रानी अंदर में मान करके बैठूंगी, जहां पर श्याम सुंदर जा करके हाथ जोड़ करते हुए राधा जी की बात छोड़ दो, उनकी सखी मंजरियों को पास में हा हा खाते हुए प्रार्थना करते हैं, थोड़ी सी श्री ईश्वर जी से मिलन करेंगे। तो वो कहते हैं यहाँ पर ठीक वही भाव है, यहाँ पर राधा ये प्रभुपाद कौन है, राधा रानी के नयन मंजरी मंजरी है, भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी है, इसलिए बोले जगन्नाथ है ना, छोड़ कर चला गया ना, ब्रज छोड़ करके चले गए ना, इसलिए वहीं पर खड़े रहो, इसलिए जगन्नाथ जी कृष्ण कौन है, तीन दिन तक जगन्नाथ जी वहीं पर खड़े रहे, क्यों, श्री प्रभुपाद से मिलने के लिए खड़े रहे, प्रभुपाद से मिलने के लिए, उनकी कृपा हो। लेकिन जब कमल मंजरी भक्ति विनोद ठाकुर लेकर के आए और उनके चरण में गिराए, वो कहते उनका गला से माला क्यों गिरा, कहती जो माला है अधर माला, वो साधारण माला नहीं वो अधर माला,
तो उदाहरण देते हैं, बोले बंसी करार निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट पीत वसनम ब्रजराज सुन। मतलब है यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जब राधा रानी केवल एक कृपा कटाक्ष से हैं, एक बार तेरसी चितवन से अगर श्याम सुंदर को देखे ना, उनको तेरसी चितवन वो तीर है, कृष्ण दर्शन करते ही माने इस पार से उस पार हो जाता है। उस समय क्या होता है, बोले बंसी स्खलित, कहते उनको जो बंसुरी, वो उनकी बंसुरी गिर जाती है, सिर से मर मुकुट गिर जाती है, कभी कभी उनको पीताम्बर भी कभी खिसक जाता है, उनको पता नहीं चलता। ऐसे जब उन्होंने प्रणाम किया ना, मानो जगन्नाथ जी की जो अधरा मृत, मतलब ये की जो बंसुरी है अपने आप ये गिर पड़ी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद की जब रुचि परीक्षा हुई, रुचि परीक्षा में उन्होंने श्रीमद भागवत ग्रंथ को उन्होंने आलिंगन किए, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए एक दिन जगत में शुद्ध भागवत धर्म को ये बच्चा प्रचार और ये प्रसार करेगा। इसलिए प्रभुपाद का तो बहुत बहुत कथा है, बहुत बहुत कथा है। अभी यहाँ पर हम बहुत सारे वैष्णव लोग हैं, अभी आप लोगों की ये लोग भी प्रभुपाद की शिक्षा है, इनका जीवन चरित्र है, बहुत इनकी अथाह जीवन चरित्र है, अथाह शिक्षा, प्रभुपाद का कितने कमेंट्री है, बहुत है। इसलिए समझो आज जो हम थोड़ी बहुत, इसलिए एक प्रभुपाद का शिष्य कह रहे थे, अगर इसी जगत में प्रभुपाद नहीं आते है ना, ये जगत अभी तक नहीं रहता। वो कहते थे अभी ये जगत नहीं रहता, जगत ध्वंस हो जाता। बोले क्यों ध्वंस क्यों हो जाता, कारण क्या, बोले कारण है प्रभुपाद ने ही इसी जगत में आ करके ये शुद्ध भक्ति धारा की मंदा के उन्होंने लाए। अभी जो थोड़ी बहुत तिलक, इसलिए महाप्रभु का जो भविष्य बढ़ था ना, पृथ्वी के आशी जाता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार देवी मराना, ये महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था, ये भविष्यवाणी था। इसलिए यद्यपि ये भविष्यवाणी एक दिन ऐसे आएगा, संपूर्ण पृथ्वी में गली गलियों में शहर शहर में सबके सब तिलक कंठी माला लगा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, और जोर से बोलो बोले हरे कृष्णा कृष्णा कहते। यद्यपि ये भविष्यवाणी को महाप्रभु ने जिसको द्वारा जितने करवाना था उतने करवाए, लेकिन अगर ये शब्द को मुक्त प्रग्रह वृत्ति में संपूर्ण रूप में अगर ये सब भविष्यवाणी को अगर कोई सार्थक किया तो किसने किया है, चलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने ही ये पूर्ण रूप में इस चीज को सार्थक किया है। अगर ये महापुरुष नहीं आते हैं ना, फिर तो ये जगत ध्वंस हो जाता। क्यों ध्वंस हो जाता, जगत में कोई भक्ति नहीं करता, भजन ही नहीं करता। अगर भक्ति भजन नहीं करता ना, फिर भगवान की दुनिया नहीं रहती। इसलिए ये दुनिया अभी टिका हुआ है, कारण क्यों है, आप जैसे कुछ भक्त लोग अभी भजन कर रहे हो, क्योंकि आपको पता होगा न्यूज देखते होंगे हर देश में एटम बम बन कर रखा हुआ है, एक दूसरे देश को धमकी दे रहा है, कोरिया दे रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका कोरिया को, चाइना भारत को, भारत पाकिस्तान को, आप सब न्यूज देखे होंगे है ना। ये क्यों बना कर रखे, क्या पैसे रखे, वक्त ने फेंकेंगे ही, एक दिन युद्ध होगा, लेकिन तब तक ये युद्ध नहीं होगा जब तक आप जैसे भक्त लोग जगत में जब तक हो, आप जैसे भक्त लोग जब तक भगवान की हरि नाम कर रहे हो, भगवान नहीं करेंगे। बोले क्यों, कृष्ण गीता में कहते हैं कौन तय प्रतिजानी न मैं भक्त प्रति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का विनाश नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं। अगर बम पड़ेगा तो क्या होगा, भक्त लोग खत्म हो जाएगा ना, भगवान बोले मेरा वाणी खत्म हो जाएगी है, मेरी वाणी खत्म हो जाएगी, मेरी जो प्रतिज्ञा की मेरे भक्त का विनाश नहीं, मेरा वाणी। इसलिए अभी ये सब लड़ाई झगड़ा तब तक नहीं होगी जब तक आप भजन नहीं, आप जैसे संत महापुरुष जब तक इसे करते फिर रहोगे तब तक नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद का जो जीवन इनका जो देन है, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो बस एटम बम गिरेगा, सबके सब खत्म कर देगा। इसलिए इनका जो भक्ति है ना, इतने पुष्ट भक्ति है, इतने पुष्ट भक्ति जो तीन दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। हम लोग पूरा 16 वाला हरिनाम करना, दिन भर माला करते करते 16 माला भी गदर नहीं होती,
अब देखना सवेरे से शाम तक माला तो लेकर घूमते हैं, लेकिन इस 16 माला खत्म नहीं कर पाते। और कितने माला करते थे, कितना वाला करते थे, एक लाख में 64 माला होता है 3 लाख। अब लगा दो, 1 लाख अगर कोई माला करता है ना, 3 बार करते करते सारा दिन किसी तरह सोने से फैलते रहते। और जो 3-3 लाख, इसलिए उन्होंने 70 करोड़ उन्होंने नाम यज्ञ 100 करोड़ 12 साल तक उन्होंने 3-3 लाख हरिनाम किया। अगर ऐसे कोई हरिनाम करे ना, आपको कोई समय नहीं मिलेगा। 1 लाख हरिनाम कर तो कभी अब इधर उधर बात, अगर कोई 3 लाख हरिनाम करे संपूर्ण उसमें डूब जाते हैं, फिर आपको बाघ सिद्धि की प्राप्त हो जाएगी। आपको मुंह से जो निकलेगा ना वो सबके सब सच निकलेगा, सबके सब सच निकलेगा। इसलिए ये महापुरुषों ने 3-3 करोड़ ने नाम यज्ञ किया है, तभी इनका जो प्रचार हमारे जो भक्ति वेदांत सिल्ला नारायण गोस्वामी महाराज, इनका भी इतना प्रचार क्यों हुआ। उन्होंने भी खाने से पहले 1 लाख नाम पूरी नहीं करके गुरुदेव खाना नहीं खाते थे। खाने से पहले तो 1 लाख हरिनाम करते थे गुरुदेव, उसको बाद में फिर दिन भर हरिनाम करते थे। दिन में वो 2-2 लाख हरिनाम करते थे, 2-2 लाख गुरुदेव हरिनाम करते थे। और इसीलिए जगत में जिसकी साधन जितना पुष्ट साधन जिसको जितने कठोर हो उसका प्रचार भी जगत में उतना ही बढ़िया होता है। इसलिए आज इस महापुरुष को स्थान पर हम गए थे, इसलिए हम ये महापुरुष का चरण में प्रार्थना करते हैं। हाँ, ये अपना हम उनको क्या लगते हैं, क्या लगते हैं पिताजी की, पिताजी मतलब हम क्या होगा, वो दादा हो, हम क्या हम लोग क्या, हाँ हम का पोता हो गए। आप देखना जो दादा दादे है ना, अपना बेटे को जितना प्रेम करते हैं अपना पोता को उससे देखना ज्यादा प्रेम करते हैं ना। और जो उनका परपोता होगा उसके ऊपर तो उनका और भी ज्यादा कृपा होगी, और भी ज्यादा कृपा होगी उनको। इसलिए ये परपोते हैं, अरे हम लोग तो पोते हैं, और ये परपोते हैं, ये पोते होंगे, ये परकी वाले पर है। इसलिए वो सब हम सबको पर में कृपा करे, इनके शिक्षा भजन आदर्श जैसे एक ना एक दिन इसको आदर्श को ग्रहण करते हुए किसी ना किसी एक तरह से, देखो एक बात समझो, मेरे जो गुरुदेव कहते थे देखो किसी एक एक जीवन किसी तरह से ये भक्ति में टिके रहो। हम जो सुनते ना श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रुचि आसक्ति, उसको तो कोशिश करनी चाहिए। पर जो स्नेह मान वो तो हमारे ऊपर का बात है, अभी नहीं, पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, सही सही श्रद्धा। इसलिए मेरे गुरुदेव एक बात कहते थे देखो, जो अभी हम तिलक लगाते हैं, गले में कंठी पहनते हैं, थोड़ी बहुत हरिनाम करते हैं, ठाकुर का सेवा पूजा करते हैं, मेरे गुरुदेव कहते थे किसी तरह से एक जीवन ऐसे निकालो, और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, गुरुजी कहते मिल जुल कर किसी तरह से एक जीवन ऐसे निकालो। क्योंकि जब तक संस्कार नहीं होना, भले ही जितने स्नेह मान और जितने आसक्ति कर दो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पहले संस्कार दृढ़ होनी चाहिए। किसने प्रभुपाद को बोले प्रभुपाद देखो भक्ति कितना दुर्लभ है, बोले प्रभुपाद हमको जो ब्रह्मचार्य था ना वो मंदिर ही छोड़कर चला गया। प्रभुपाद कहते हैं जो तो गया ही गया, लेकिन अभी तक जो भजन अभी जो ब्रह्मचारी बन करके मठ में रह रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ अभी तक तो वो कैसे है अंदर, ये बड़ा आश्चर्य है। हाँ, ये कैसे रहा, कैसे रहा है अभी तक, ये मंदिर में रह कैसे रहा है, मतलब ये भक्ति जो कितने दुर्लभ। मेरे गुरुदेव कहते थे मैं साक्षात नयन मणि मंजरी का आसक्त प्रभुपाद का, लेकिन प्रभुपाद से जो कथा आपने सुनी है किसी तरह से एक जीवन मंदिर में बिताए, कितने आंधी तूफान जगत में क्या क्या हमारे जीवन में आए। इसलिए किसी तरह से अगर इस लाइन में अगर जीवन बिता दिया, हम मंदिर में झाड़ू लगाते लगाते बर्तन साफ करते करते एक जीवन अगर किसी तरह से बिता भी दिया, इसे जितना कर रहे हो उतना ही करते हुए जीवन बीत गया, तो समझो ये बहुत बड़ी काम है। और जो भक्ति है कभी घट करके नहीं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं ना, बोले दीन दीन बड़ता सवायो पायो जी मैंने राम रतना। इसलिए हर समय भक्ति बढ़ करके प्रकट होती है, लेकिन किसी तरह से दुनिया एक तरफ में हो जाए, लेकिन हम भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ेंगे, तिलक कंठी माला कभी हम नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, श्री सपरिकर प्रभुपाद की, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।
हरि बोल।